रहीम एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 10। ये सामने आपके व्हाइट बोर्ड पे मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को मैंने सॉल्व कर लिया, इसके फैक्टर बना लिए हैं। फैक्टर बना के x-5 कॉमन आ गया, x+y आ गया, इन दोनों को जीरो के इक्वल है। बारी बारी आपने जीरो के इक्वल रख के x के दो आंसर निकाल लेते हैं। अब आपके पास x के दो आंसर आए, आपने क्या लिखना है, पुट इन वन इक्वेशन, ये है हमारे पास, वो मैंने लिख दी है। x की जगह पे यानी ये x है, इसकी जगह पहले 5y हमने लगाया, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास +-1/3 आ जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से x² + y² = 3, इसमें हमने दूसरी वाली x की वैल्यू रखनी है और ये दूसरा भी y का +-1 आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों y की वैल्यू बारी बारी यानी ये जो लाइन है ये 5y और +-1/3 y की जगह पे हमने रख दिया है, तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट बन गए। फिर इसका जो आंसर आया है इसको हमने x के अंदर रखा है यानी y की जगह पे, तो ये भी +-1 आएगा और ये दो इसके सॉल्यूशन सेट आपको मिल जाएंगे। इस तरह इजीली आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व हो जाएगा।